पे गाड़ियां देखो, ओडी, बीएमडब्ल्यू, जी वैगन, मर्सिडीज। ओ चाचे क्या हाल है। तो ये गाड़ियां इधर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां यहाँ पे खड़ी। ओ भाई साहब ये देखो रोल्स रॉयस। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने रेंटल कार की यार गाड़ी आज देखी भाई, इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ियाँ अपने यहाँ भाई सेलिब्रिटी मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ लेके चलती हैं ना, वो गाड़ियाँ यहाँ पे भाई रेंटल कार में उससे भी खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ यहाँ पे रेंटल कार में भाई चलती हैं। इतनी किलर किलर गाड़ियाँ भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब एंड लेवल की लग्जरी गाड़ी होती नहीं कि इससे ऊपर कोई लग्जरी नहीं आती। तो वैसी वैसी गाड़ियाँ के ऊपर कोई लग्जरी गाड़ी आती नहीं। तो इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ी भाई यहाँ पे यार रेंटल कार में चलती भाई, इतने खतरनाक। तो चलिए फिर मैं आज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ अगर रेंटल कार की जो गाड़ियाँ होती ना कितनी किलर कितनी खतरनाक होती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी भाई चल रहे हैं, अभी निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी दिखाता हूँ भाई एक सही लग्जरी गाड़ियाँ जो होती ना वो यहाँ पे रेंट पे मिलती हैं। अब क्या प्राइस होता है भाई अभी ये तो नहीं पता, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पे भाई एक से एक महंगी से महंगी गाड़ियाँ रेंट पे मिलती है। ये तो है, रेंट का काम यहाँ पे बहुत चलता है, बहुत चलता है। भाई आ गए हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारे इधर ही पहला वाला है, अभी पहला दूसरा इधर जो दो तीन है बहुत खतरनाक खतरनाक। ये एक सामने है, ये हमारे राइट साइड में अल्फेयर्स नाम से, ये देख रहे हो क्या खतरनाक खतरनाक गाड़ी, ओडी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, खतरनाक ये सारी भाई। पता नहीं क्या प्राइस होता है ये तो नहीं पता भाई। तो गाड़ियां यहाँ तो एक सेख रेंट पे मिलती हैं। अभी एक मैं दूसरी दिखाता हूँ, ये मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे तुम्हें रेंटल कार मिल जाएगी, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक यहाँ पे है। ओ भैया, ओ भाई, ओ भैये मारेगा के। ये सामने ये देख रहे हो एक ये है, यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां नहीं है वैसे ज्यादा हाई भाई, लेकिन ये भी है यहाँ पे लो कॉस्ट वाले जिनको सस्ती गाड़ियां चाहिए वो बंदे। और जो जिनको सबसे महंगी गाड़ियां चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इस एरिया का मेरे ख्याल से सबसे लग्जरियस और सबसे महंगा रेंटल कार है, रेंटल कार का हिसाब किताब है यहाँ पे। कहता हूँ आप यहाँ लेवल चेक करो, ये है अपना सबसे महंगा भाई। यहाँ पे गाड़ियां देखो, ओडी, बीएमडब्ल्यू, जी वैगन, मर्सिडीज। ओ चाचे क्या हाल है। तो ये गाड़ियां इधर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियां यहाँ पे खड़ी। ओ भाई साहब ये देखो रोल्स रॉयस, देख रहे हो यहाँ पे रेंटल कार में रोल्स रॉयस, ये सारी लैंड क्रूजर लाइन कुछ। ओ भाई देख रहे हो पूरी लाइन जो है रेंटल कार का हिसाब किताब, पूरी लाइन जो है। तो ये देख रहे हो यहाँ का हिसाब किताब। तो अभी मैं और दिखाता हूँ, अभी हमारे साइड में और भी है एक से खतरनाक खतरनाक है। तो अभी चलता हूँ, अभी थोड़ा अपने को लेना था सामान मार्केट से, तो उधर ही है। तो पहले चल के अभी सामान ले लेते हैं मार्केट से, उसके बाद में फिर आपको मैं दिखाता हूँ। भाई रोड पूरा खाली पड़ा देख रहे हो गर्मी में, बीएमडब्ल्यू है क्या खतरनाक लग रही, पुरानी वाली है। ये चेक करो भाई मर्सिडीज जीटी जा रही है, ओए ब्लू कलर में क्या फाड़ लग रही यार, कलर चेक करो इसका मर्सिडीज का। यहाँ तो बता दो एक से एक गाड़ियां भाई निकलती, एक ये खड़ी मर्सिडीज है ब्लैक कलर में, जीएलई है सीएलई कौन सी है। तो गाड़ियों को तो भाई यहाँ पे टोरा ही अलग है, खतरनाक गाड़ियां। ये यहाँ का बस स्टैंड है भाई, एयर कंडीशन वाली देख रहे हो यहाँ पे बसें चलती हैं। ये यहाँ का बस स्टैंड है, वो भी एयर कंडीशन ही वाला है। तो यहाँ पे लेवल ही अलग है। ओ भाई जीप क्या खतरनाक लग रही यार, ओए हाय हाय जबरदस्त जबरदस्त भाई गाड़ियां तो भाई एक से एक, पार्किंग में, रास्ते में, हर जगह तुम्हें गलियों में खड़ी हुई मिलेंगी एक से एक खतरनाक खतरनाक गाड़ियां। देख रहे हो क्या खतरनाक है, यहाँ पे देख लो ये सामने मर्सिडीज खड़ी हुई है, हाय 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 लेवल ही अलग है यहाँ पे गाड़ियों का। अभी चल रहा हूँ मार्केट, ये देखो पोर्स खड़ी हुई है, हाय 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 कैमरी देख रहे हो क्या गोली की स्पीड में निकली यहाँ से। अरे भाई बता रहा हूँ यहाँ हवा के तरीके गाड़ियां चलाते हैं, कितनी स्पीड में ले गया कैमरी वाला। ये देखो निशान की सन्नी जा रही है, ये बीएमडब्ल्यू भाई। अरे हमें लेफ्ट जा राइट जाना है यार, ये लोग तो इतनी स्पीड में होते हैं कि इनसे गाड़ियां कंट्रोलिंग नहीं, सीधा ही सीधा दबाते चले जाते हैं। आ गया भाई मार्केट, अब यहाँ से ले लेता हूँ सामान, उसके बाद चलता हूँ अभी आगे। ये आ गया, अभी देख रहे हो पूरा खाली पड़ा सुपर मार्केट पांडा। तो इस एरिया में भाई ये सारे कार रेंटल का एरिया है, देख रहे हो यहाँ पे
सस्ती पुरानी जितनी मतलब जिस टाइप की आप यहाँ से गाड़ी लेना चाहो रेंटल पे, सस्ती छोटी मोटी हर टाइप की यहाँ पे हर कैटेगरी की गाड़ी मिलेगी। यहाँ देखो कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ, ये पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने गाड़ी है, देख रहे हो ये ये सारी कार रेंटल वाली, ये देख रहे हो यहाँ पे कार रेंटल की गाड़ियाँ सारी खड़ी है। ये सारा ये ऑफिस जो है कार रेंटल वालों का, ये BMW मर्सिडीज ये सारा जो लिखा हुआ है कार रेंटल वालों का ऑफिस है। और ये जो सारी देख रहे हो ये सारी गाड़ियाँ टोयोटा होंडाई 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 की सबसे ज्यादा गाड़ी होंडाई टोयोटा और निसान की, इस लाइन में जितनी गाड़ियाँ सारी सबसे ज्यादा गाड़ी इसमें है। ये यहाँ पे ODQ7 भी खड़ी है और ये तो पुरानी विंटेज गाड़ियाँ, ये तो वर्कशॉप की गाड़ियाँ हैं, देख रहे हो यहाँ का हिसाब किताब। तो ये सारी रेंटल की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, तो रेंटल का यहाँ पे है। आप सस्ती गाड़ी भी लेना चाहो, ओ भाई ओ भाई ओ ट्रक वालो भाई, ये ट्रक वाला भाई ये हमर लेके जा रहा है, देख रहे हो ओ भाई साहब गदर यार लग रही हमर। ये वर्कशॉप का एरिया मेन चीज क्या है ना, ये वर्कशॉप का एरिया है तो इसलिए यहाँ पे इधर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये जो रेंटल का है यहाँ पे तो ये उमुल हमाम में पड़ता है और यहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे क्या है ना, गाड़ियाँ ज्यादा हाई फाई वाली नहीं, नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं जैसे टोयोटा की आरिस होंडाई की एसेंट एलेंट्रा ये सब गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से भाई इस एरिया से मैंने देखा है भाई भाई कहाँ धूप में दौड़ रहा है, इस एरिया से भाई सबसे ज्यादा रेंटल कार वाले इधर, क्योंकि इस एरिया में क्या है ना यहाँ पे सबसे सस्ता एरिया इस साइड का है। यहाँ पे रूम वूम वगैरह बहुत सस्ता मिलता है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना इधर से सऊदी उदी जो होते हैं, क्योंकि इधर सऊदी के घर बहुत हैं, ये जो नॉर्मल वाले सऊदी होते हैं तो ये अपना यहीं से लेके फिर जाते हैं, यहाँ जो सऊदी है अपना यहीं बगल से ले ली सस्ती गाड़ियाँ। तो बाकी तो जो हाई फाई सऊदी उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। ये स्कूटी देख रहे हो इसमें भाई बहुत रिस्क वाली गाड़ी है, ये सामने दादा लेके जा रहे हैं, ये इसमें बहुत रिस्क है भाई, इसमें तो बहुत रिस्क है यार रोड पे ना ये गाड़ी लेके निकलने में बहुत रिस्क है, बताता हूँ इसमें कोई सेफ्टी नहीं है भाई, कोई सेफ्टी नहीं है। वो कहीं भी अगर खराब हो जाए देख रहे हो इतनी पतली सी, कोई भी अगर हल्का से भी टच हो गई किसी गाड़ी से, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ भाई बता रहा हूँ खतरनाक स्टाइल से चलती हाई स्पीड में। और ये तो देख रहे हो लेके जा रहे हैं इससे भाई बता रहा हूँ बहुत भाई रिस्क वाली गाड़ी है इसको, इसमें स्पीड भी माशाल्लाह बहुत तगड़ी होती है और कहीं लेफ्ट राइट नहीं लगो, कोई गाड़ी स्पीड में आए तो उड़ा के लेके चली जाए। फॉर्चुनर आए हाय हाय BMW 4 सीरीज फॉर्चुनर ओरिजिनल यहाँ कोई देखता ही नहीं भाई, देख रहे हो यहाँ मर्सिडीज का AMG का जी वैगन खड़ी है। एरिया भी चेक करो भाई यहाँ पे, आए हाय ये है अपने यहाँ की लेजेंडर मानी जाने वाली गाड़ी, देख रहे हो कौन से चाल में चल रही है। इससे सही तो मेरी ये है यार एलेंट्रा, इससे स्पीड में तो मेरी एलेंट्रा चढ़ रही पहाड़ी पे, देख रहे हो ये भाई साहब तो रोते हुए आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही भाई होता है, कहीं पहाड़ों पे घर मिलेंगे, कहीं नीचे ढलान पे घर मिलेंगे, कहीं कहाँ घर मिलेंगे। ये घर कैसा लग रहा, घर है कि पूरा फार्म हाउस यार, पूरा ऐसे लग रहा नहीं कोई बहुत बड़ा सा पार्लियामेंट हाउस वगैरह हो, इतने बड़े बड़े घर देख रहे हो। ये देख रहे हो भाई पसीना बहा रहा है, सऊदी है ये भी, तो यहाँ लोग बहुत देख रहे धूप में, एक तो इनकी आदत पड़ गई ना ऐसे टेम्परेचर में रहने की, तो धूप में अपना दौड़ते उड़ते कोई दिक्कत ही नहीं है इनकी। भाई अभी चल रहा हूँ भाई के रूम पे, आज भाई ने बनाई है बिरयानी, तो आज की अफ्तारी भाई के रूम पे करना है, तो अभी चल रहा हूँ शाम को, अब 6:10 टाइम हो गया है, तो अभी चल रहे हैं भाई के रूम पे, वहाँ से अफ्तारी करके आते हैं, क्योंकि अकेले रूम में मज़ा भी नहीं आता है, फिर कभी कभी है टाइम मिलता है तो साथ में करना चाहिए अफ्तारी ज़रूर भाई, भाइयों के साथ दोस्तों के साथ। कभी भाई ने बना रखी है बिरयानी आज, तभी फ़ोन करके बताया तो मैंने कहा चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मैंने भी खाना ले रखा है लेकिन अभी चल रहे हैं फिर भाई के साथ में वहीं आराम से बिरयानी आज खाते हैं, आज अफ्तारी करते हैं वहीं पे। अभी चल रहे हैं भाई के रूम पे, हो नज़ारा चेक करो शाम का है, है, है रोड पे गाड़ियां नज़र आने लगी शाम के टाइम, अफ्तारी का टाइम हो रहा है ना तो अभी रोड पे देखो पब्लिक नज़र आ रही है, 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 है क्या जबरदस्त लग रहा है शाम के टाइम। Calm before the storm, things aren't as they were before, you best start bracing. भाई अभी भाई के रूम पे आ गए हैं और यहाँ बिरयानी उरयानी का हिसाब किताब है, अभी देख रहे हो बिरयानी पे एकदम लगा हुआ है और एंट्री हो गई, देख रहे हो ये अभी लेकर आया हूँ, ये रे भाई साहब आज बिरयानी बनाई है बहुत तगड़ी वाली,
अभी चलते हैं, अभी अजान होने वाली है, अजान हो रही है, चल के अभी खाते हैं। रोजा खुल गया भाई का, ये देख रहे हो बिरयानी दम पे लगी हुई है। ये देखो भाई गर्मा गर्म बिरयानी आए, हाय हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त हैदराबादी बिरयानी भाई, अपने हाथ की बनाई हुई। हाँ, होटल की नहीं, अपने हाथ की, देख रहे हो क्या जबरदस्त लग रही है, जबरदस्त जबरदस्त भाई। चलते हैं अभी खाते हैं, फिर अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। बिरयानी देख रहे हैं भाई, देख रहे हो क्या जबरदस्त लग रही है, चिकन बिरयानी है ये, चिकन। तो भाई खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया भाई, बिरयानी बहुत ही जबरदस्त यार भाई ने बनाई थी बिरयानी, एक नंबर की यार, मजा आ गया एकदम, मतलब स्पाइसी वाली जिसे बोलते हैं ना, रियल स्पाइसी वाली। और ऐसा खाना वो भी सऊदी अरब में मिल जाए, हाय 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 मजा आ जाए। देख रहे हो खतरनाक सीन आ रहा है, जबरदस्त जबरदस्त भाई। कम हो गया भी, हाँ वही कह रहा हूँ। तो भाई बिरयानी बहुत ही जबरदस्त थी, मजा आ गया कि अब चल रहा हूँ भाई रूम पे। तो इस वीडियो का एंड यही करते हैं, और वीडियो कपड़े उपड़े को ज्यादा माइंड मत किया करो भाई, ऐसे ही रहता यार कहीं भी, ये भाई हाँ ये रूम है यार, क्या हालांकि अलमारी ये दे रखी है, देखो ड्राइवरों के रूम है भाई, ड्राइवर कहाँ तक बंदा खोले, जहाँ पाओ भाग रख दो, वही चीज है। इतना हम लोग काम नहीं भाई, इतना ड्यूटी होती, इतना समेटने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या मेरा वैसे भी दो रूम है, तो एक रूम एक ही रूम में सोता हूं मैं, तो जहां पे भी खड़ा हूं इसमें तो आता नहीं हूं कभी। तो भाई इस वीडियो का एंड यही करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, और भाई को दीजिए इजाजत। अब मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।